सो है व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल। मैं हूँ सोल। और गाइस आज एक फिर और दोबारा से माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग आ चुके हैं। और आज मुझे कुछ बड़े बड़े माइनक्राफ्ट के यूट्यूबर्स ने मुझे चैलेंज दिया है माइनक्राफ्ट में, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाले हैं। और आज भाई मुझे मिथपैट और टेक्नो गेमर्स ने भी चैलेंज दिया, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, जिसको मैं लास्ट में करूंगा। और अभी हमारे पास 5 यूट्यूबर हैं, जो कि हैं भाई स्मार्टी पाई, गेमर फ्लेट, चपाती, हिंदुस्तानी गेमर, मिथपैट और टेक्नो गेमर्स। भाई ये हमारे पास 5 हैं, 5 अपने यूट्यूबर्स जिन लोगों ने मुझे चैलेंजेस दिए हैं माइनक्राफ्ट में, कुछ बहुत ही खतरनाक। और ये मेरा स्पॉन बहुत सही जगह पे हुआ, एकदम विलेज के अंदर। तो चलो जल्दी से ना, ज्यादा टाइम वेस्ट हम लोग करते हैं नहीं, और अपना स्टार्ट करते हैं चैलेंज। तो अभी अपना सबसे पहला जो चैलेंज दिया है भाई चपाती गेमर ने, और उनका चैलेंज है कि मुझे 150 ब्लॉक की हाइट से बोट क्लच करना है, यानी कि बोट वाली एमएलजी करना है, जो कि अपने लिए सही होने वाला है, जिसको मैं अभी उधर पे थोड़ा मैं ब्लॉक से ऊपर 150 ब्लॉक तक मैं जाने वाला हूं, और वहीं पे थोड़ा रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर दूंगा ताकि मेरे लिए इजी रहे, अगर रिट्राई करने की जरूरत पड़े तो मैं कर लूंगा। तो अभी मैंने यहां से ये वाला ब्लॉक ले लिया, और यहां से मुझे जाना होगा 150 पे, जो कि अभी हम 74 पे थे। सो अभी चलो जल्दी से मैं 150 ब्लॉक पे जाता हूँ। और वैसे ये मुझे ज्यादा लग नहीं रहा है, क्योंकि ये इजी होने वाला है भाई। और वैसे ही मैं थोड़ी हाइट पे हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा और चीटिंग ना करते हुए मुझे थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ही से बहुत हाइट पे आ चुका हूँ उधर के हिसाब से। तो मैं इसको 170 या फिर 180 तक मैं ट्राई करता हूँ एक बार करने का। चलो इसको मैंने कर दिया पूरा 180, और यहाँ पे अपना हम लोग रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर लेंगे जल्दी से, और सो ही जाते हैं। चलो रात भी हो ही गई थी, तो यहाँ पे अपना रिस्पॉन पॉइंट भी सेट हो गया है। और अब मुझे करना होगा यहाँ से बोट क्लच, जो कि अभी चलो जल्दी से, मैं तो यहाँ पे सर्वाइवल मोड में आ ही चुका हूँ। और मुझे पहले देख लो यहाँ पे सामने मुझे जगह कहाँ पे ज्यादा मिल रही है, इधर पे है ना, तो इधर ही चलो जल्दी से चलते हैं। 3 2 1 गो। ठीक है, ये बोट क्लच थोड़ा हार्ड होने वाला है, बाकी मैं और क्लच में कर लूंगा। चलो ठीक है, ये 2-3 ट्राई मुझे लगने वाला है, बाकी तो हो ही जाएगा। एक यहाँ पे ना मैं एक चेस्ट भी लगा ही लूँ, क्योंकि ये भी अपने काम आ जाएगा। मैं मरने वाला हूँ ऐसा मुझे लग रहा है अभी बहुत बार, तो इतना तो यार बहुत ही रहेगा। और अभी चलो दोबारा से सर्वाइवल में हम लोग चलते हैं। ठीक है ये क्या कर रहा था यार मैं वैसे ना थोड़ा एक चीज और करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको लिया, ठीक है, और अब मैं जंप करूंगा इसको। ये तो यार ये तो कोई बड़ी बात होती है नहीं। चलो ठीक है, नाइस, एक और ट्राई करनी पड़ेगी। अबे नहीं भाई ऐसा नहीं होता, मुझे ना थोड़ा लगता है गेम मेरा लैग हो रहा है, तो मैं थोड़ा रेंडर डिस्टेंस कम कर देता हूँ, 8 पे कर देता हूँ, और ग्राफिक क्वालिटी फास्ट। ठीक है, अभी थोड़ा मैं चेक करता हूँ, मेरे थोड़े FPS बूस्ट होने वाले हैं। सो अभी ये वाला क्लच देखो मेरा ये क्लच भाई ओपी है, ओपी जिसको बोलते हैं ना। यही मेरे लिए क्लच है, मैंने बोट क्लच कर लिया। बाती भाई का यार सॉरी नहीं हो रहा यार मुझसे वो सब, मैं कुछ कर भी नहीं सकता उसके लिए। मैं एक काम करूँ क्या, मैं यहाँ पे वाटर बकेट क्लच एक कर सकता हूँ, जिसको मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। मैं वाटर बकेट और वाइन वाला मैं दोनों यहाँ पे क्लच करके अभी दिखाने वाला हूँ, रुक जाओ। ओके चलो, सो मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ सर्वाइवल में, और अपने पास वाटर बकेट भी है। तो एक और थोड़ा इसको हार्ड करने के लिए मैं यहाँ से ड्रॉप करने वाला हूँ इस बकेट को, और फिर मैं करने वाला हूँ जंप, जो कि कैच हो जाए। नाइस, बहुत बढ़िया भाई, ये सब तो बच्चों का खेल है यार। और यहाँ पे एक और कैसे आ गई बे, यहाँ पे मैंने कब बच्चा, शायद गलती से मुझसे ड्रॉप हो गई होगी। और अब चलो वहाँ पे दोबारा, और रात हो रही है तो थोड़ा और डिफिकल्ट होने वाला है। सो अभी मैं करने वाला हूँ वाइन्स वाला क्लच। ओके चलो, अब मैं यहाँ पे आ गया ट्विस्टेड वाइन लेकर के, और अभी मैं इसको फेंकने वाला हूँ ऊपर, ये उधर गया, और मैं इसको जंप करने के लिए नीचे, और ये भाई नाइस, फटना नहीं भाई। अरे अबे तेरी भाई, कभी आप पे कुछ है, वो क्लिप्स हो रहा है क्या? शिट भाई नहीं, ये क्या हो रहा है, ये भाई इतने ज़ॉम्बीज कहाँ से आ सकते हैं? अबे तेरी भैंस की आंख, अबे भाई नहीं, मुझे मरना नहीं। एक सेकंड, इतने ज़ॉम्बीज कैसे आ सकते हैं? अबे नहीं, मैं मरूंगा इसीलिए। एक सेकंड, अरे भाई साहब, वाह ये नहीं मरा यार, डिस्क ड्रॉप हो जाती। अबे भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, पूरी आर्मी आई हुई है इन लोगों की। अरे भाई क्या सीन है यार, यहीं पे लगता है सब कुछ स्पॉन हो गया है, सब इधर पे स्पॉन हो गए। सही है भाई, तुम लोग रहो बोट में ही फंसे रहो। ठीक है अब सब मरो भाई, सब नहीं मतलब वही एक्सेप्ट क्रीपर एंड एंडरमैन। चलो ठीक है,
अब अपना भाई हम लोग चलते हैं अगले चैलेंज की तरफ, अगले डेयर की तरफ, जो कि होने वाला है भाई गेमर फ्लीट का। और उनका चैलेंज ये है कि मुझे 10 मिनट के अंदर में पिंक शिप ढूंढनी है, वो भी सर्वाइवल में। क्रिएटिव में मैं वैसे भी मैं नहीं जा सकता, तभी के तो मैं सारा चैलेंजेस सर्वाइवल में करने वाला हूँ। सो मुझे 10 मिनट के अंदर पिंक शिप ढूंढनी होगी। ये भाई बहुत गलत चीज है, 10 मिनट में पिंक शिप मैं नहीं ढूंढ सकता यार। लेकिन अगर जब उन्होंने बोला है तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। सो अपना गेम मोड सर्वाइवल में मैंने कर लिया स्विच, और अभी 10 मिनट से यहाँ पे टाइमर स्टार्ट कर दे। 3, 2, 1 को। चलो अब यहाँ से मुझे 10 मिनट में एक पिंक शिप ढूंढनी पड़ेगी, और उसके लिए मैं अभी इधर जाने वाला हूँ, उधर फिर उधर से घूम जाऊंगा अगर कुछ आगे दिखेगा तो। इधर मुझे प्लेन दिख रहा है, 4-4 शिप, लेकिन एक भी पिंक शिप नहीं। और इधर भाई पिंक, यार ये है, मुझे लगा पिंक शिप है। चार चार क्यों है बे इधर। अच्छा चलो यहाँ पे यार ये देखो, 3-3 शिप यार, इधर पिक भी है। लैग हो जा, हाँ पहले लैग ही हो जा यार, तू इतना मैंने क्वालिटी कम की हुई है फिर भी। यार तुम दोनों मिक्स हो जाना भाई, बन जाएगी पिंक शिप। क्या मैं बोल रहा हूँ, मुझे मैं इनसे ना कभी खाना ही कलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। टूल्स मैं मुझे बनाने पड़ेंगे, मैं जल्दी से ना थोड़े एक्स बना लेता हूँ जो कि अपने काम आ जाएगी, और बेड का भी मैं जुगाड़ कर लूंगा इधर ही से। क्राफ्टिंग टेबल तो एक्स में बना लेता हूँ, ठीक है चलो सही है। और वैसे भी मुझे खाना तो अभी खाना कच्चा ही है, अबे मर जा। चलो ठीक है, खाना अपने पास आ रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ जिससे मैं बेड भी बना पाऊंगा। ओके एक बेड भी आ गया, नाइस बहुत सही। ओके ये भी गई, और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम है, मुझे याद ही नहीं था यार। टाइम भी तो है अपने पास, जल्दी यार, मैंने ऐसे ही 5 मिनट तो लगता है मैंने ऐसे ही वेस्ट कर लिए। ओके सो अभी मैं तो यहाँ पर आ चुका हूँ, और उधर शायद मैंने कुछ देखा था ऐसा मुझे लगा, पर नहीं, चलो छोड़ो उधर कुछ नहीं है। और यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ यार, और जल्दी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, शायद 2-3 मिनट और होगा। इधर पे यार, यहाँ पे भी एक शीप है, नहीं ओके मिल गई, गेम लैग नहीं होना। हाँ ठीक है ओके, मिल गई भाई, गाइस फाइनली मिल गई मुझे एक पिंक शीप, जहाँ पे एक है ये वाली, एक व्हाइट शीप है, और शायद उधर भी, हाँ 2 व्हाइट और 1 पिंक मिली भाई, हद है। और ऊपर भी एक है यहाँ पे, मतलब ये पूरा शिप वाला ही बायोम है बे। रुक जा ओके भाई, मेरा ये पिंक बेड भी अनलॉक हुआ है अभी। चलो ठीक है नाइस, बहुत बढ़िया, मुझे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी बे कि मिल जाएगी इतना जल्दी। ओके सो अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं दोबारा से विलेज में, और अब अपना 2 चैलेंज हो चुका है भाई कम्प्लीट, नहीं 2 नहीं हुआ है, 1 ही हुआ है। बाकी 1 के बदले मैंने 2-2 किया है। सो अभी चलो अपना नेक्स्ट चलते हैं, जो कि होने वाला है गेमर फ्लीट का, और इनका चैलेंज है भाई मुझे वर्ल्ड स्पॉन करने के 20 सेकंड के अंदर भाई मुझे मरना है। 20 सेकंड मुझे शायद लग रहा है कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन अभी ओके चलो मैं यहाँ पे मर गया हूँ, और यहीं पे मैं स्पॉन हुआ, यहाँ पे गेम पॉज हो गया मेरा, ठीक है। मैं दूसरा वर्ल्ड क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाई अगर मैं कोई वर्ल्ड क्रिएट करता हूँ या फिर मैं अगर वर्ल्ड ओपन करता हूँ तो बहुत गंदा वाला लैग होता है, इसकी वजह से मैं इसी वर्ल्ड में मैं करने वाला हूँ। सो अभी मुझे मेरे सामने ही पानी है, ठीक है, तो मैंने इस वर्ल्ड को देख चुका हूँ, तो इसके लिए मैं थोड़ा टाइम कम कर देता हूँ, और मुझे यहाँ पे 15 सेकंड में मरना पड़ेगा, ठीक है, जो कि भाई पानी में भी मुझे लग रहा है हार्ड ही होने वाला है। वैसे मैं पानी का मुझे कुछ और ढूंढना पड़ेगा मरने के लिए, या फिर मैं पानी में ही जाकर मर सकता हूँ, तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो मुझे अपना गेम मोड भी तो सर्वाइवल करना पड़ेगा यार, ये हो गया, चलो ठीक है ये सर्वाइवल हो गया है। और एक बार और मैं दोबारा से मर जाता हूँ ताकि कुछ चीटिंग ना लगे, मैं रिस्पॉन हो जा, ठीक है चलो मैं हो गया यहाँ पे रिस्पॉन दोबारा से, और अभी मुझे मरना पड़ेगा, ठीक है 3, 2, 1 को, जल्दी 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 यार, जल्दी जल्दी, यहीं से थोड़ा डैमेज ले, अरे नहीं यार जल्दी मर जा, मैग्मा था ना यहाँ पे, मैग्मा था, जल्दी 10 सेकंड हो गए मेरे पास, जल्दी भाई जल्दी 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 प्लीज जल्दी। शिट भाई ये मैंने क्या किया, ओ भाई नहीं, मैं मरा यार लेकिन लेट से, मैंने भाई अपनी ये जो ब्रीथिंग लेवल होता है मैंने उसको फुल कर लिया यहाँ पे आकर के। शिट चलो ये तो अपना हो गया है, मैंने थोड़ा लेट किया, लेकिन मैं एक बार और मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है, मैं एक बार ये ब्रीथिंग से मरने का ट्राई करता हूँ इसमें डूब करके, और इससे हो पाता है या फिर नहीं मैं देखना चाहता हूँ। जल्दी मर जा यार, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी और नीचे जाएगा जल्दी यार, इसकी तो सांस ऐसे ही डूबने में घंटों लगा देता है भाई। नहीं भाई नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि 15 सेकंड में, जब तक मैं कोई बहुत हाइट वाली जगह पे स्पॉन नहीं होने वाला हूँ तब तक मैं नहीं मरूंगा 15 सेकंड में तो। भाई चलो ठीक है नाइस, नहीं होगा, चलो मतलब हो ही गया पर थोड़ा लेट, या फिर 20 सेकंड मैंने किया नहीं या नहीं किया वो मुझे तुम लोग बताना कमेंट करके, मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने सेकंड में मैं मरा हूँ। सो अभी चलो अपना चलते हैं 4th नंबर पे, जो कि अपना होने वाला है मिथ पैट का।
किया। उन्होंने भाई मुझे चैलेंज दिया है कि मुझे स्ट्रेट नीचे बेडरॉक तक डिक करना है भाई बिना मरे, मतलब मुझे बेडरॉक तक सीधा मुझे डिक करना पड़ेगा बिना मरे, मतलब समझ रहे हो। सो इसके लिए मैं कुछ चीटिंग मैं नहीं कर रहा भाई, रुक जाओ, ये काम थोड़ा जल्दी करने के लिए मैं शवल और यहाँ से ना मैं पिकैक्स ले लूं, क्योंकि ये भाई ये कोई चीटिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि इससे मैं अपने आप को डिफेंड तो कर नहीं सकता, बस थोड़ी मेरी माइनिंग फास्ट हो जाएगी। सो मैं थोड़ा इसको हार्ड और करने के लिए मैं इसको यहाँ से मैं डिक करने वाला हूँ, ठीक है। चलो मुझे बेडरॉक तक जाना होगा बिना लावा से मरे हुए भाई, प्लीज नहीं मरना। और ये सॉरी अगर किसी को ये लगा होगा कि मैं यहाँ पे मैं कुछ एक्सपेक्टेटर मोड में देख के आया हूँ, तो मैं नहीं भाई, इसको मैं तोड़ देता हूँ, चलो कोई और जगह पे रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीटिंग नहीं करना है। सो इधर भी वैसा ही कुछ सेम बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं नहीं करने वाला भाई, यहाँ पे पहली केव है, सो इसमें मुझे लगता है मैं मरूंगा बहुत गंदे वाला। मैं इसको यहाँ से ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है, इधर पे कहीं से भी यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो मैं अपना गेम मोड यहाँ पे हम लोग करते सर्वाइवल में और अपना स्टार्ट करते 3। अभी पहले कितने लेवल पे हूँ यार, ये देखो 84 पे हूँ और मुझे भाई बहुत नीचे जाना पड़ेगा। सो चलो जल्दी से हम डिक करते भाई, प्लीज कुछ मिलना मत मेरे को, प्लीज कुछ नहीं मिलना यार, नहीं तो केव बगैर ये मुझे गलत लग रहा है, मैं गलत जगह मैंने चुन ली है, मुझे भाई बहुत गलत लग रहा है, बहुत गंदा ज़ॉम्बीज़ की आवाज आ रही है, और मैं कहीं मुझे लग रहा है मैं कहीं रूबीन में गिरने वाला हूँ। के नहीं, अभी मैं कितने पे आ चुका हूँ, -43। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ नहीं आना भाई प्लीज, बहुत अच्छा जा रहा हूँ मैं नीचे, बहुत अच्छा जा रहा हूँ। आ नहीं शिट भाई, इतना नीचे जाने के बाद ठीक है यार, ये भी अपना हुआ फेल मैं बहुत नीचे आ गया था, पर कोई नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, कोई ऑप्शन नहीं था अपने पास, वहां पे मैं बच भी नहीं सकता था क्योंकि मैं डायरेक्ट लावा में मैं गिरा हूँ जा करके। ठीक है भाई, अपना सब 4 चैलेंजेस मैंने कंप्लीट किया, मतलब 4 में से 2 ही अभी सक्सेसफुल, या फिर शायद एक ही हुआ है सक्सेस अभी और अभी नंबर 1 पे भाई जो कि होने वाला है टेक्नो गेमर्स का, जो कि उन्होंने भाई मुझे बहुत ज्यादा हार्ड चैलेंज दिया है। उन्होंने मुझे बोला है कि मुझे 50x50 एरिया में 2-2 वेदर बॉस से सर्वाइव करना पड़ेगा 2 मिनट तक, ये मुझे बहुत हार्ड लग रहा है। 50x50 का एरिया ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा यार, मैं एक बार ना मैं यहाँ पे मैं पूरा मैं बाउंड्री तो मैं नहीं लगाने वाला, सो बस एक थोड़ा एक आउटलाइन के लिए मैं कुछ इस टाइप से मैं कर देता हूँ ताकि मुझे मालूम रहे कि ये 50x50 का हो गया है। ठीक है भाई, ये इतना एरिया मुझे यार ये बहुत कम मुझे लग रहा है एक वेदर से सर्वाइव करने के लिए, तो चलो भाई मुझे इतने एरिया में 2 वेदर से भाई सर्वाइव करना पड़ेगा, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है सही में यार, पर चलो अभी जब उन्होंने जब दिया है तो मैं कर ही लेता हूँ। सो यहाँ पे जल्दी से 3 वेदर हेड लूंगा और वो भी भाई बिना आर्मर के मुझे करना है, सो ये और थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है मेरे लिए। तो यहाँ पे स्पॉन करते हैं, 2 को मुझे करना है, मुझे एक इसको लगा कर जल्दी से, क्यों नहीं हुआ भाई स्पॉन, शायद बारिश हो रही है इसकी वजह से, बारिश में नहीं होता क्या, शायद उसी की वजह से नहीं हो रहा है, बारिश में ये नहीं होता है शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। शिट क्यों नहीं हो रहा है, तू होगा नहीं, तुझे मैं भी नहीं ट्राई करने वाला, शायद इतने पास में 2 नहीं होता क्या, मैं इधर पे ट्राई कर लेता हूँ इधर हाइट पे, ओके हुआ हुआ हो गया शायद, इसीलिए लैग हुआ मेरा गेम। ठीक है नाइस, फट लियो मत अभी, और तू नहीं, तू भी यार फटना नहीं अभी प्लीज 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 नहीं, शिट यार नहीं, मुझे और स्पॉन करना पड़ेगा। ठीक है 3-2-1 गो, 1 अब ये क्यों नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड भाई, अब वो क्यों नहीं हुआ, एक साथ नहीं होते क्या 2, ओके चलो हो गया भाई, तो ठीक है ठीक है ठीक है, अब मुझे इसमें भाई 2 वेदर से सर्वाइव करना है जो कि बहुत बुरा है। शिट भाई नहीं, 2 मिनट तक अपना टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और मुझे सर्वाइव करना होगा 2 मिनट तक जल्दी से, अब भाई जल्दी प्लीज नहीं मारना, प्लीज नहीं मारना, प्लीज नहीं मारना, अबे नहीं भाई ये बहुत गंदा वाला इधर ब्लास्ट हो रहा है मुझे गड्ढों में, मुझे नहीं मुझे उस शायद ये मुझे वेदर का डैमेज नहीं पड़ा है ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर कुछ आसपास में जो ब्लास्ट हुआ होगा ना उसका डैमेज पड़ा है, नहीं तो भाई अभी वेदर वाला इफेक्ट बहुत गंदा लगने वाला था मुझे। नहीं भाई वो लोग मेरे पीछे ही है ऐसा मुझे बहुत गंदा वाला फील हो रहा है, नहीं वो दोनों मेरे पीछे पड़े हुए हैं, फंसना नहीं कहीं, अबे यार ब्लॉक खत्म, ब्लॉक्स उठाओ ब्लॉक्स उठाओ ब्लॉक्स उठाओ इधर से जल्दी भाई, मैं बचा हुआ हूँ कि मेरे ऊपर उनके हार्ट्स यार उसके इफेक्ट नहीं मिल रहे हैं ये वेदर वाले, थोड़ी देर और प्लीज सर्वाइव कर जा, मेरे पास खाना भी नहीं है गाइस। ओके भाई फाइनली नाइस, मैं सर्वाइव कर गया हूँ, मैंने कर लिया सर्वाइव 2 मिनट तो वेदर से भाई क्या हाल कर दिया है बे इस जगह का, पर यार ये लोग तो बच्चे मुझे लग रहा था कि, अबे कुछ नहीं भाई तुम लोग गधे हो छोड़ो, तुम लोगों से कुछ नहीं होने जा रहा है
कुछ नहीं तुम लोग कर सकते मेरा। और ये पता नहीं इसका कहाँ पे जा रहा है। हाँ ठीक है, कहाँ मारा बे तूने, कहाँ जा कहाँ रहा है भाई। हेलो, चलो ठीक है गाइस, तो अभी आज का बहुत मस्त मस्त अपना पांच डियर्स जो कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने मुझे दिया था इंडिया के, जो कि मैंने भाई फाइनली कंप्लीट हो चुका है अपना। और तो चलो, अगर तुम लोगों को ये चैलेंज ये डियर वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और भाई अगर तुम इन पांचों यूट्यूबर्स के फैन हो भाई तो जरूर से यार इस चैनल को भी दिल से यार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना। और ऐसे भी अगर चैनल को अभी तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो यार, आज बहुत हार्ड हार्ड चैलेंजेस मैंने किए। और हाँ कमेंट करके भी बता दो और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लो। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।